हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.19 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+ इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2+ द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रम एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रम फ्रॉम ईच प्रोटोन. Determine the potential energy of system. Specify your choice of zero potential. So, देखो उन्होंने क्या कहा है, जो H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इसके अंदर क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो क्या होंगे, सेंटर में प्रोटॉन होंगे. तो उन्होंने कहा है वन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव, ये यहाँ से निकाल दिया है. तो क्या बचे यहाँ पर, दो प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन बचे. In the ground state of H2, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. तो इन्होंने कहा जो दो प्रोटोन बाकी हैं, this proton and this proton और प्रोटोन, ये एक दूसरे से कितनी दूर है, 1.5 angstrom, और जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो दोनों से कितना है, 1 angstrom की डिस्टेंस है. यहाँ से भी 1 angstrom है और यहाँ से भी 1 angstrom है. अब हमें बताना है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन, और इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन. तो इंट्रैक्शन एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 R, ये हमने पढ़ा हुआ. अब यहाँ पर जितने इंट्रैक्शन हो रहे हैं सबके लिए लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास K, हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो क्यूपी इंटू क्यूपी अपॉन 1.5 एंगस्ट्रम. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो हो जाएगा हमारे पास क्यूपी इंटू क्यूई बाय 1 एंगस्ट्रम. यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 1 एंगस्ट्रम है, माइनस क्यूपी इंटू क्यूई, अगेन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रम. ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा. अब 1 एंगस्ट्रम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 एंगस्ट्रम होता है हमारे पास 10^-10 मीटर. तो यहाँ पर 10^-10 मीटर की हर जगह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 10^-10 मैंने कॉमन ले लिया, की वैल्यू होती है 9 × 10^9 अपॉन 10^-10, या एंगस्ट्रम से कॉमन ले लिया, तो सब मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 × 10^-19. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.6 × 10^-19 - 38 अपॉन 1.6 × 1.6 × 10^-38 अपॉन 1. अब क्या करेंगे, इसमें से हम वैल्यूज कॉमन ले, 1.6 × 10^-38 कॉमन ले लेंगे और बाकी की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. तो आ जाएगा हमारे पास U इज इक्वल टू 9 × 10^9, ये 10^10 न्यूमरेटर में जाने के बाद हो जाएगा 10^10 × 1.6 × 10^-38 एंड दिस विल बिकम 1.5 − 1 − 1. तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 × 1.6 × 1.6 × 10^19 +9 = 19 − 38 − 19. और ये हो जाएगा हमारे पास 1 − 1.5 − 1.5 upon 1.5, and this will become -3. ये हो जाएगा 2 upon 1.5. -1.5 − 1.5 will become 3. So U is equal to 9 × 1.6 × 1.6 × 10^-19
इंटू माइनस टू बाय 1.5। ये जो एनर्जी आई है हमारे पास कहाँ किस में आई है? ये आई है हमारे पास जूल में। अब हमें जो एनर्जी फाइंड करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। टू कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1.6 इंटू 10^-19। इससे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ तक ये जूल में है, बाई डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10^-19 हमने किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये जो हमारे पास नंबर है हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और दिस विल बिकम 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होपफुली यहाँ तक ये पोर्शन समझ आया होगा। एंड द सेकंड पार्ट इज स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल, तो दैट इज इन्फिनिटी। सेकंड पार्ट में जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू जो जीरो पोटेंशियल की चॉइस पूछे, तो ये समझ आया होगा होपफुली। थैंक यू।